कि महाराज नाम जब जो है सुबह भक्तों के साथ बैठ कर करते थे सर्कल बनाने के लिए महाराज ड्राइंग करके दिखाया आ, प्रभु गौरंग प्रभु और मैं और राधा गोपीनाथ प्रभु गोविंद प्रभु सब लोग थे उनके कमरे में महाराज बोले कि पूरा सर्कल नहीं बनाना चाहिए थोड़ा थ्री फोर्थ सर्कल बनाना चाहिए क्योंकि प्रभुपाज की और आपको पीठ नहीं दिखाना चाहिए पीठ बोलते हैं ना पीठ नहीं दिखाना चाहिए तो यू हैर्कल इन फोर दिखाया तो उसके बाद सर्कल फिक्स भी किया कौन कौन किधर किधर बैठेगा नाम भी डाल दिया तुमको ये सर्कल में बैठने का ऐसे लगभग दस बारह सर्कल था ऐसे आज से महाराज ने चालू किया सिस्टम चालू किया ऐसे वेरी गुड इन मेकिंग स्पिरिचुअल सिस्टम तो बोला कि महाराज साथ में क्यों हम बैठते हैं क्योंकि एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए कोई थोड़ा सो गया तो थोड़ा तो तो उठा देना चाहिए उसको अगर कोई जबते जबते तो कुछ भक्त लोग मंदिर के हॉल छोड़कर पानी पीने के लिए जाते थे वापस लौट नहीं आते थे तो महाराज ने उसके बाद बोला मंदिर के हाल में एक वाटर का ये रख दो ग्लास के साथ महाराज अनाउंस करने के लिए बोला कि पानी इधर ही है बाहर नहीं जाना है आपको तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको इस तरह महाराज गिवन फॉर द मॉर्निंग प्रोग्राम और कांग्रेगेशन लोग महाराज को पूछते थे, थे कि ये सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए यह सिस्टम है क्या महाराज बोले नहीं सबके लिए है कांग्रेगेशन ऑल्सो तो एक बार द्वारकाधीश प्रभु कृष्णचंद्र प्रभु और बाकी लोग एक कमेटी बनाकर कांग्रेगेशन काउंसिलर्स को रिप्रेजेंट करते हुए महाराज के पास गए फॉर्चुनेटली बाकी वर्ष मैं भी था उसमें देख रहा था मैं वो लोग बोल रहे थे महाराज आपने हमको मंगलारती के लिए आने के लिए बोला संडे के दिन हम आते हैं मंगल आरती के लिए आते हैं नरसिंह आरती तुलसी आरती और उसके बाद गुरु पूजा और आप भागवत क्लास देते हैं साढ़े आठ से लेकर साढ़े दस साढ़े दस तक खिचड़ी गाते हैं अगर हम निकल जा सकते हैं उसके बाद तो मेरा रोड में जाकर थोड़ा थोड़ा आराम करके शाम को हमारा खुद का कुछ जो कार्यक्रम वगैरह करना है सन्डे को हम कर सकते हैं तो ये संडे फीसट हम अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको वो नए लोगों के लिए रख सकते हैं वो नहीं तो अगर आप बोलते हैं संडे फीस बहुत इंपॉर्टेंट है तो so, हम संडे फीस अटेंड करेंगे सुबह का छोड़ देंगे हम आ जाएंगे साढ़े बारह बजे सुबह उधर कुछ करके साढ़े बारह बजे आ जा जाएंगे महाराज बोल नहीं 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 दोनों इंपॉर्टेंट है भागवत ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड संडे फीस आल्सो इंपॉर्टेंट है और भक्त लोग बोले महाराज जी संडे फीस ठीक है साढ़े बारह से डेढ़ बजे हो जाएगा तो अच्छा है हमारे मन चौपाटी में तो तीन साढ़े तीन कभी चार भी बज जाता है बज जाता है कभी एक बार महाराज जी भक्ति इस दोनों भक्ति तीर्थ स्वामी के बारे में पांच घंटा बोला उन्होंने संडे फीस हो रात को साढ़े आठ हो गया हो तो भक्त लोग बोले महाराज जी मंदिर में आकर पूरा सुबह से लेकर रात तक हम मंदिर में ही रहते हैं महाराज बोले वेरी गुड वही चाहे। ऐसे तो। महाराज बोले कि भक्तों के साथ आकर गाना नाचना प्रसाद पाना एक्सचेंज करना इसको जोड़कर हमारा लक्ष्य क्या है उसके बाद वो लोग बोले महाराज हम आपस में चर्चा करके आते हैं तो सब वापस आ गए बाहर उसके बाद काउंसलर बोर्ड में उन्होंने प्रश्न के महाराज ऐसे बोल रहे हैं सब लोग बोले क्या प्रुजा? आपने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया आप वो बोले आपको क्या मालूम पूरा बोल दिया हमने लेकिन महाराज अपने स्टैंड को कभी बदला नहीं महाराज दोनों देते थे भागवतम भी देते थे साइंटिफिस्ट भी देते थे भागवतम में भागवतम साइंटिफिस्ट के समय चैतन्य लीला मैं सालों साल सुना हूं उधर तो इधर भी हमारे मंदिर में भी एनबीसी में भी ऐसा ही हुआ अभी गंभीर भक्तों ने बोला कि हमको क्या करना चाहिए हमको क्या भागवतम करना चाहिए भक्तों को नहीं तो संडे फीस सब भक्त सीनियर लीडर ने बोला कि संडे फीस हमको नहीं चाहिए नए लोगों के लिए लगा दो उनको हमको भागवतम के लिए आएंगे तो पहले जब भागवतम चालू हुआ पंद्रह सौ लोग आए थे बढ़िया भागवतम हुआ लेकिन धीरे धीरे देखा हमने घटता घटता गटता गया कभी तीन लोग आते हैं कारण क्या है अनेक लोगों को मालूम नहीं महाराज जी की मूड क्या है महाराज अपेक्षा करते हैं कि विजिबल uh, साधना बोलते हैं खास करके लीडर्स को महाराज बोलते हैं बाकी लोगों को पकड़ो बाकी लोग लीडर के पीछे ही हैं अगर लीडर आएंगे ना कौ काफ प्रिंसिपल मालूम है 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 आपको लीडर कौन कौन कौ कौ उनके का अगर, अगर काव बोलेगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं सब काफ बोलेंगे ऐसे बोलेंगे हा? तो अभी कऊ बोलेगा नहीं, नहीं नहीं हमको भागना है महाराज ने बोला है मंगलारती से लेकर पूरा आटंक करना है हमको काफ पीछे पीछे भागेगा उसके पीछे इसलिए फॉलोअर्स का पकड़ने में कुछ मजा नहीं लीडर्स आना चाहिए तो देखेंगे क्या लीडर बैठा है कि नहीं हुँ? अगर वो है तो आएंगे ना वो अगर कनेक्शन है तो आएंगे प्रभु नटवर प्रभु रास्वर्ण, रास्वर्ण प्र तो रोज आते हैं राजवगर प्रभु जब करते हैं तो का मतलब क्या महाराज इंसिस्टेड वेरी मच ऑन विजिबल लीडर्स इन the temple campus monday to saturday you can make your home into temple sunday make temple into home that is that is what he is emphasizing ha huh? monday to saturday aap kya kya kijiye ghar ko mandir banaiye aur sunday ko mandir ko घर बना लीजिए उसका मतलब छोड़ना नहीं पूरा रहने का उधर आने आने वाले भक्तों को प्रेरणा देना उनसे बातचीत करना कभी कभी <coughs> बाहर जाते हैं काउंसिलर काउंसिलर दैट इज ऑल राइट यू गो फॉर सम टूर आर समथिंग नहीं तो आना चाहिए दिस इज वन वन विजिबल साधना लीडर शुड बी विजिबल इन द टेंपल ऐसा नहीं कि तीन महीने में एक बार आते हैं एक आध बार फेस्टिवल के लिए आते हैं उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं महाराज को पसंद नहीं है महाराज महाराज नेवर चेंज स्टैंड आज तक महाराज को पूछे अब बोलेंगे भागवतम और संडे फीस अब भक्तों ने बाद में डिसाइड कर लिया हमको जो सुविधाजनक है वो करेंगे हम डिवोटीज डिबोटी चेंज्ड देयर डिटीजर माइंड बट महाराज इवन नाउ यूट महाराज वही बोलेंगे महाराज बोथ आर फॉर डिवोटी बोलेंगे महाराज सो दिस इज अबाउट विजिबल प्रसेंस इन द टें और दूसरा चीज है मैंने एक बार पूछा महाराज जी को किसको काउंसिलर बनाना है महाराज बोले कंसिस्टेंसी